आज मैं विजिट करने वाला हूँ कोस्टा की डियर पार्क। डियर पार्क की टाइमिंग यहाँ पे कैसे, क्या लोकेशन है और यहाँ पे कैसे पहुँचना है और इसके अंदर हमें क्या कैसे देखने को मिलेगा, हर एक चीज़ के बारे में डिटेल बताने वाला हूँ वीडियो में। वीडियो शुरू से लेकर वीडियो एंड तक देखते रहना, वीडियो अच्छा लगे करना, सब्सक्राइब करना, वीडियो शेयर करना, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते सीधे चलते हैं कोस्टा की डियर पार्क में। और ये है डियर पार्क की जो मेन एंट्रेंस है आपको यहाँ पे, और ये आपको पार्किंग यहाँ मिलेगा। हम एक बार पूछ लेते हैं पार्किंग का क्या चार्जेस हो रहा है, यहाँ पे गाड़ी आप लेके आ रहे हो तो आपको क्या पार्किंग चार्जेस वगैरह मिलेगा, भैया से बात करते हैं। तो ठीक है, साइकिल का कोई चार्जेस नहीं है यहाँ पर पार्क करने में, और घंटे के हिसाब से कभी कभी भी कर सकते हो। और बाइक का 10 रुपये और कार का 20 रुपये, वो भी घंटे के हिसाब से। चलो ये है पार्किंग सिस्टम यहाँ का, थैंक यू। आपका नाम क्या? सोनू। ओके, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ का कुछ रूल्स वगैरह यहाँ मेंशन किया गया, आप इसको पोस्ट पर पढ़ सकते हो। और आपको जो मेन एंट्रेंस पे आपको यहाँ पे ऑटो वगैरह मिल जाएगा घर जाने के लिए। आपको हमारे जो प्यारी भाई यहाँ पे देखने मिलेगा, वो भी गोलपा के बेच रहे हो। वैसे गोलपा का क्या 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 रेट होता है यहाँ पे? 20 रुपये। 20 रुपये मतलब कितना पीस मिलेगा? 5 पीस। अच्छा, 5 पीस मिलेगा। चलो ये है डियर पार्क की जो मेन एंट्रेंस है आपको यहाँ देखने मिलेगा। और ये है डियर पार्क की जो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के जू है, इनको जो नाम है आदित्यनाथ जा डियर पार्क पोस्टकास्ट में है। ये एस्टेब्लिश किया है 1988 में। ये कैटेगरी जो छोटा सा कैटेगरी मिनी जू में आता है ये एरिया, अराउंड 10 एकड़ का एरिया है। इसमें झील है, डक है, डियर है, ये सब आप खुद से यहाँ देखने में मिलेगा। शायद मुझे पता नहीं कितना आप देख पा रहे हो इसमें, आप वीडियो को पोस्ट कर वीडियो पढ़ सकते हो इसमें। बाकी यहाँ से हमारा एंट्रेंस हो रहा है। यहाँ पर समर सीज़न में विंटर सीज़न का अलग अलग टाइमिंग मेंशन किया गया है, मार्च और सितंबर से सुबह 5 बजे से लेके 9:30 बजे तक है। अक्टूबर और फरवरी के बीच में 5:30 को लेके 9 बजे के बीच में आपको यहाँ का जो इनका जो टाइमिंग वगैरह है दिखने मिलेगा। डियर पार्क का जो एंट्रेंस होते ही आपको यहाँ पर एक छोटा सा रास्ता यहाँ से दिखने मिलेगा। बेसिकली ये एरिया होता है फैमिली पिकनिक स्पॉट्स, कपल्स एरिया, ये सब है मतलब डियर पार्क एरिया। तो यहाँ से जो अंदर जाते हुए हमें पहला यहाँ पे बोर्ड देखने को मिलेगा। यह बोर्ड में यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखा गया है, मुझे पता नहीं क्या लिखा गया, आप वीडियो को पोस्ट करके वीडियो पढ़ सकते हो। बाकी मेरे लिए तो बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है टू रीड हिंदी। और ये जो पार्क की नाम होता है आदित्यनाथ जा डियर पार्क, और इसको जो लोकली नाम बोला जाता है डियर पार्क। और डियर पार्क आपको IJA एयरपोर्ट से अराउंड 12 किलोमीटर का दूर पड़ेगा। ये जो डियर पार्क है आपको नियरेस्ट है तो 3 मेट्रो स्टेशन है, IIT मेट्रो स्टेशन और RKpura मेट्रो स्टेशन और होस्कास मेट्रो स्टेशन। तीनों मेट्रो स्टेशन से आपको अराउंड 1-2 किलोमीटर का रेडियस में ये जो पार्क है आपको देखने को मिलेगा। और ये है पार्क की जो अंदर की नज़ारा। अब तो हम यहाँ से बस एंटर हुआ है, आगे जाते हुए हमें डियर की जो एरिया भी हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर चलते आगे। हम अभी डियर पार्क में पहुँचते हमें राइट हैंड साइड में हमें कुछ डियर यहाँ देखने मिला, कुछ नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा डियर है। पिछली बार यहाँ पे विजिट किया था इतना ज़्यादा डियर वगैरह यहाँ नहीं था, और ये अभी इसका रिप्रोड्यूसिंग बढ़ के काफ़ी ज़्यादा डियर्स बन चुका है। मतलब यहाँ पर टू टाइप ऑफ स्पीशीज में डियर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। पहला डियर्स होता है जो नॉर्मल डियर्स होता है, बाकी एक और स्पीशीज है यहाँ पर डिफरेंट नाम पर होता है। ऑलरेडी मैंने इसका वहाँ पे 2 टाइप की डियर्स का नाम मेंशन है, बट उसका नाम मैं थोड़ा भूल गया। बट ये है डियर पार्क की जो नज़र है, बस आपको यहाँ पे डियर पार्क में डियर्स मिलेगा। बाकी आगे कुछ पार्क वगैरह होता है, मतलब बेसिकली ये जो पार्क है पिकनिक्स फैमिलीज और कपल्स के लिए। बाकी और पीछे था जो डियर पार्क एरिया, हम अभी आगे एक्सप्लोर कर रहा हूँ, थोड़ा और आगे जाना है। आगे जाके हमें क्या क्या चीज़ें इसका अंदर देखने को मिलेगा वो भी चीज़ें हम कैप्चर कर लेते हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक शानदार एरिया भी है, ये भी हम बाद में कैप्चर कर लेते हैं। और यहाँ पे 2 रोड्स अब यहाँ जा रहा है, आपको 2 रोड्स में 2 डिफरेंट एरिया में जा सकते हो। और ये जो एरिया है आगे जाते ही, मतलब ये एरिया आपको जो पूरा दिख रहा है इस साइड में, ये पूरा डियर पार्क के लिए बना रहा है, पूरा डियर पार्क ही है। इसमें मोर वगैरह आपको देखने को मिलेगा और डियर्स मिलेगा। वैसे आपको इसमें थोड़ा आगे मोर दिख रहा होगा, अकेले में है मोर, काफ़ी अच्छा है। मैं अपना GoPro से जूम नहीं कर सकते इसलिए आपको ऐसे ही देखना ही पड़ेगा। आपके सामने जो गेट है यहाँ से भी एंट्रेंस होती है। वैसे आप ग्रीन पार्क मेट्रो से आ रहे हो तो आपको ये जो गेट पास पड़ेगा,
आप वहाँ से एंटर होते हैं आपको यहाँ पे तो ड्रिंकिंग वाटर वगैरह मिले, मतलब पीने के लिए पानी होगा ना, ये पीने के लिए पानी होगा ना ये, या मुँह धोने के लिए? ये तो पता नहीं, वैसे तो साफ सफाई तो थोड़ा कम है, सफाई नहीं है ना, बाकी तो आप प्रेफर करो ना को, वैसे तो मैं प्रेफर करूँगा आप बाहर से आइए, बाकी देख लीजिए अगर। और ये है काली गुमती, काली गुमती के स्ट्रक्चर का आगे कुछ मेंशन किया गया है, और ये जो स्ट्रक्चर के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आपको ऊपर आई बटन में वीडियो मिल जाएगा। ये स्ट्रक्चर अभी रिसेंटली रेनोवेट किया था, जब मैं यहाँ पे विजिट किया था इन स्ट्रक्चर में है ना, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर था, अभी ऊपर सीमेंट मार के इन्होंने थोड़ा और अच्छा कर दिया, मतलब फिर भी लोग बच्चों कर रहे हैं यहाँ पे, देख सोना नोना जाने क्या कर रखा है, ऐसे ही स्ट्रक्चर यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा छोटा सा मॉन्यूमेंट है यहाँ पे, फिर भी पता नहीं लोग क्या कर रखा है, इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए अच्छे से। बस इसका एक फ़ोटो भी मैं आपको मेरा इंस्टाग्राम का मुझे पोस्ट भी आपको राइट हैंड साइड में देने वाला हूँ। ये जो स्ट्रक्चर है ऑर्गेनिक मटेरियल से बनाया गया है, अभी इनको ऊपर से इसने सीमेंट वगैरह मार के इस स्ट्रक्चर को और अच्छे से रेनोवेट कर दिया, बाकी मैं इनका डिटेलिंग पूरा एक वीडियो बना चुका हूँ इसमें। और ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर एक छोटा छोटा सा एक एंट्रेंस वगैरह आपको देखने मिलेगा, यहाँ पर आपको तीन मेहराब मिलेगा, एक दो तीन, ऐसे आपको तीन मेहराब मिलेगा। अब रिसेंटली सब कुछ साफ वगैरह किया था, अब यहाँ पे बच्चे खेलने वगैरह आते रहते हैं, और ये है ये जो स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर है बाग आल आग बाग ऐसे कुछ है स्ट्रक्चर का नाम है ना, बाग आलम। ओके, ये लोधी के टाइम पे बनाया ना, ये कोई स्टोरी पता है इसका? नहीं, अभी हम देख रहे हैं। ओके थैंक यू। ओके, ये एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, इसको जो मेन पहले ये पूरा बंद किया गया था, मैं इसका अंदर पहले हमें एंट्रेंस वगैरह नहीं था, अब ये है जो इस स्ट्रक्चर का एंट्रेंस, इसका अंदर कुछ मकबरा वगैरह है अंदर। लोधी के टाइम पे बनवाया गया है, इसका जो नाम है बाग आल आगम बाग टॉम। इसके सामने कुछ मेहराब वगैरह भी आपको दिखने को मिलेगा, और ये जो स्ट्रक्चर है स्टोन स्ट्रक्चर से बनाया गया है, नॉर्मल स्टोन से, वैसे हम तुगलकाबाद फोर्ट में जैसे देखा हुआ ऐसे कोई स्टोन स्ट्रक्चर नहीं है इसका, तो फिर भी काफ़ी अच्छा स्टोन स्ट्रक्चर से बनवाया गया है, जो लाइन मोटर वगैरह इसमें जोड़ने की कोशिश किया है। इसके बारे में मैं ऑलरेडी बहुत कुछ मॉन्यूमेंट्स का वीडियो वगैरह बना चुका हूँ, उसमें से एक वीडियो मैं ऊपर आई बटन में डालूँगा ताकि आपको और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ये पूरा आपको दिखेगा, एक दो तीन चार पाँच छः सात सात मेहराब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे कुछ है जैसे कब्र वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बस यही है डियर पार्क का अंदर दो मॉन्यूमेंट्स है, और डियर पार्क अंदर का मॉन्यूमेंट्स की जितनी भी मॉन्यूमेंट्स है दिल्ली के सारी मॉन्यूमेंट्स का मैंने कवर कर चुका हूँ, उसके बारे में आपको जाना है वहाँ पे विजिट वगैरह करना है तो आपको इस साइड में आपको मेरा इंस्टाग्राम का पेज वगैरह मिलेगा, पेज के थ्रू अब मुझे आप वहाँ विजिट कर सकते हो, काफ़ी जगह मैंने एक्सप्लोर किया है। अब मैं टेम्पल सीरीज़ भी अभी शुरू किया रिसेंटली, तो आपको दिल्ली के टेम्पल्स ढूंढना है, दिल्ली के साउथ इंडियन टेम्पल्स घूमना नहीं है, वहाँ पे विजिट करना है तो आप मेरा पेज के थ्रू वहाँ पे जा सकते हो। वैसे चलते फिर आगे। अच्छा खासा ये जो पार्क है हम एक्सप्लोर करेगा तो हमें बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलता है। बेसिकली ये पार्क है कपल्स के लिए, पार्क है, पिकनिक स्पॉट है, आप अपना टाइम स्पेंड करने आ रहे हो तो आपके लिए बेस्ट रहेगा ये पार्क। ये पार्क की जो
बहुत अंदर की पार्ट डीप एरियाज वगैरह है आपके सामने। आप अभी मैं आपको ले जा रहा हूँ यहाँ पर। मैंने कभी विजिट किया तो मैं हमेशा, मेरे साथ ऐसे ऐसे होता है जब मैंने ऑलरेडी विजिट किया हो जगह में भी, मैं फिर भी वहाँ पे पहले बार विजिट करते हो तो मुझे ऐसे एक्सपीरियंस मिल जाता है। मैं कभी वहाँ पे विजिट नहीं किया है तो छोटा सा एक पूल बना रखा था, इसमें भी पहले पानी वगैरह था बट अभी पानी वगैरह कुछ नहीं है। दिल्ली की गर्मी की वजह से सब सूख गया, वहाँ से ओवरफ्लो होके यहीं से आते फिर निकलते थे पानी। और ये यहाँ पे मैक्सिमम हमेशा कपल्स वगैरह ही आता है क्योंकि उनको टाइम स्पेंड करने के लिए, उनको प्राइवेसी के लिए तो परफेक्ट प्लेस है। आप यहाँ विजिट कर सकते हो और फैमिलीज पिकनिक स्पॉट वगैरह, पिकनिक के लिए आप आ रहे हो फैमिली के साथ विजिट करना चाह रहे हो तो उसके लिए भी परफेक्ट प्लेस है। अगर दिल्ली में आप आ रहे हो, दिल्ली का आप समर सीज़न में आ रहे हो तो समर सीज़न में आप यहाँ विजिट करो तो आपको एक दिक्कत यहाँ होगा। एक प्रो टिप है, आप अपने पास पानी लेके आना, वो भी एनर्जाइजर या ORS मिला के पानी लेके आना ताकि काफ़ी ज़्यादा आप डिहाइड्रेशन में आपको दिक्कत आएगा तो आपको हमेशा हाइड्रेट में रहना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको अब अपने पास पानी लेके आना। खाने पीने का सामान इस पार्क के अंदर अलाउड नहीं है। ये है पार्क के अंदर की जो एरियाज, काफ़ी अंदर आ चुका हूँ मैं डियर पार्क की, तो इतना एरिया कोई विजिट किया है नहीं किया मुझे नहीं पता। उतनी टाइम मैं यहाँ पे विजिट करने आया हूँ, उतनी टाइम मैं ये सब चीज़ें कभी देखा भी नहीं है। डियर पार्क के अंदर इतना डीपली मैं कभी गया नहीं है तो आप आराम से वॉक करने के लिए आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। धीरे धीरे वॉक करना, आप अपना स्पेशल पर्सन के साथ स्पेशल टाइम स्पेंड करना चाह रहे हो तो आप यहाँ विजिट कर सकते हो। मैं अभी इस रास्ते से आ रहा था वापस तो यही आ रहा था, यहाँ के मुझे एक बोर्ड देखने को मिला, स्ट्रैंगल वॉक, वॉक स्टेपिंग, एदर स्ट्राइड, ऐसे बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पे मेंशन किया गया है। और यहाँ पे मुझे दिखा छोटा सा दो रोड्स ऐसे आ रहा है तो मैंने सोचा यहाँ पे भी थोड़ा बहुत अंदर जा कर देख लेते। ये भी डियर पार्क के अंदर के जो एरिया है, नॉर्मल पीपल्स यहाँ पे विजिट करते हो नहीं करते हो मुझे नहीं आइडिया कुछ नहीं है। तो ऐसे है इसका अंदर का भी जगह, ऐसे ऐसे रास्ता बना रखा है, मुझे पता नहीं अंदर जाके मेरे साथ क्या कुछ होगा, मेरे साथ कुछ गलत होगा कुछ नहीं पता। फिर भी ऐसा एरिया है, मैं आपको कभी भी रेकमेंड नहीं करूँगा आप ऐसे जगह विजिट करो अकेले। मैं अभी अकेले हूँ, दिन में टाइम अभी अराउंड टाइम हो चुका है 12:30 बजे। यहाँ पर शायद शाम वगैरह भी कुछ होता है ध्यान से वॉक करना। ऐसी जगह है, अंदर छोटा रास्ता है, ऐसे ऐसे रास्ता आगे जा रहा है। यहाँ पे दो रास्ते पर छोड़ा, एक रास्ता यहाँ जा रहा है, एक रास्ता यहाँ जा रहा है। मतलब ऐसे रास्ता बना रखा है जंगल के अंदर भी। तो ये मतलब बेसिकली मेरा जो आज की एजेंडा यही है, एक्सप्लोरिंग डियर पार्क। डियर पार्क की इतनी अंदर गहराई में मैंने कभी भी यहाँ पे ऐसे जगह में कभी विजिट नहीं किया। मैं अंदर से बाहर से जाते हुए ही निकल चुका हूँ मोस्टली, इतना अंदर तक मैं कभी आया नहीं। लोग यहाँ आते हैं, देखो सब कुछ यहाँ पड़ा है पर भी यार यहाँ पे भी मुझे कुछ चीज़ करना चाहिए, देखना चाहिए क्या है बेसिकली इसके अंदर, इसलिए इसके अंदर आया है। तो फाइनली हम जहाँ से कवर किया है बाग आलम गुम्बद, जो काली गुमती के बगल में एक स्ट्रक्चर है, उनकी जो पीछे का एरिया में हम पहुँच गया। और डियर पार्क के अंदर भी आपको शौचालय बना रखा है, मतलब कोई पैसे वाला कुछ नहीं है, आप कभी भी यहाँ विजिट कर सकते हो। मतलब तो आपके लिए यहाँ पे एक शौचालय है, ये जेंट्स के लिए, लेडीज़ के लिए है। पानी वगैरह है नहीं पता तो फिर चलते आगे। और हॉस्कास के जो डियर पार्क है, डियर पार्क के अंदर जितने भी एरिया है
अनएक्सप्लोर प्लेसेस भी मैंने अच्छा खासा निकाल के कवर किया है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो शेयर भी करना आपको फ्रेंड्स लोगों के साथ। जो लोग प्राइवेसी चाहता है आपके फ्रेंड्स लोग, तो उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हो आप। तो मैं अभी डियर पार्क में एग्जिट करके मुझे जो डियर पार्क के जो बगल में एक झील है वहाँ जाना है। तो वहाँ उसका उसकी झील वगैरह देखना है जो पहला एंट्रेंस में, आप वहीं से एंट्रो किया होगा जो पहला आपको राइट पड़ेगा ये एरिया, सॉरी लेफ्ट पड़ेगा ये एरिया, वहाँ पर छोटा सा बोर्ड मैंशन है, ये बोर्ड में लिखा गया झील। तो आपको झील देखना है, झील के लिए अलग रास्ता है, तो इस रास्ते से हमें आगे जाना पड़ेगा तभी हमें झील का जो एरिया है दिखेगा। तो हमें अब तक जो एरिया घुमा है वो जो डियर पार्क की जो एरिया है उसमें पार्क हो रहा था, बेसिकली वो एरिया पूरा गार्डन टाइप की एरिया है। तो आप गार्डन टाइप की एरिया घूमना चाह रहे हो तो आप डियर पार्क में रहो, या आपको पूरे पूरी तरफ से दिल्ली का जो हॉस्कास पार्क है वो विज़िट करना है तो ये जो लेक है डिस्ट्रिक्ट पार्क लेक वहाँ वो भी विज़िट कर लीजिए। यहाँ पर पब्लिक टॉयलेट भी मैंशन किया है, आगे जाके आपको पब्लिक टॉयलेट भी देखने को मिलेगा। तो ये एक पार्क लेक में जाते हुए हमें पहला एक राइट हैंड साइड में एक छोटा सा एक हट वगैरह हम देखने को मिला। यहाँ पे कुछ इवेंट्स वगैरह हमेशा चलते रहता है, गाने वगैरह हमेशा चलते रहता है, तो आप यहाँ पे कुछ आपको एंजॉयमेंट एंटरटेनमेंट वगैरह आपको हमेशा यहाँ पे मिलते रहता है। तो आप यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हो अपना गुड टाइम आफ्टर इवनिंग आप यहाँ विजिट कर रहे हो। तो साइड में जिम वगैरह मिलेगा, वो ओपन जिम है, आप कभी भी यहाँ विजिट कर सकते हो। वैसे आप 700 रुपये स्पेंड कर सकते हो जिम वगैरह में, तो वो छोड़ के आप यहाँ आके अपना जिम वगैरह कर सकते हो। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ नहीं है, वेट लिफ्टिंग वगैरह कुछ नहीं है, अब हमारे बॉडी के लिए हेल्पफुल है तो आप यहाँ पे आके अपना जिम वगैरह कर सकते हो। बाकी ये है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो मेन एंट्रन होते हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें मेंशन किया गया है यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे ट्री प्लांट है, शॉप प्लांट है, फोलिक प्लांट्स है, सीजनल फ्लावर प्लांट्स है, हर्बल मेडिकल प्लांट्स, कैटल डी के मैनुअर है, लीफ कंपोस्ट है 5 kg का, ऐसा बहुत कुछ चीज़ें मैंशन है। यहाँ पे टाइम भी मैंशन किया है, सुबह 9 बजे से लेकर 1 बजे तक है और 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक है इनका जो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी सेंट्रल नर्सरी हॉस्कास की जो टाइमिंग है। ये जो डिस्ट्रिक्ट पार्क है, जो लेक है, ये जो बनवाया गया है अलाउद्दीन खिलजी ने, यहाँ पे साफ साफ चीज़ें मैंशनड है। और 1295 में ये जो पानी है यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है अलाउद्दीन खिलजी ने। और ये रेसिडेंट ऑफ सिरी एंड ये जो हॉस्कास की प्लेस का पहले का नाम है हॉस अलाई रजैन और फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे। और 1916 में एवैक्यूएशन रिवील्ड द ओरिजिनल फाइट टू स्टेप बैक टू लोकल ग्रे स्टोन। तो ये है इनका छोटा सा स्टोरी हॉस्कास टैंक के बारे में। तो हम अभी कर सकते हो दिल्ली के टाइम, दिल्ली में जो गर्मी के टाइम है आप कभी भी, मैं आपको ये नहीं बोलूँगा आप दिन में आ जाओ, बट कोशिश करना आप सुबह आने के लिए और शाम को सनसेट के टाइम में भी आप यहाँ आने के लिए कोशिश करना। बाकी ये है जो डियर पार्क, जो हॉस्कास पार्क की जो मेन नज़ारा आपके सामने। तो आगे चलते हैं, पर तो वहाँ से आप ये पानी किनारे से आप आते हो तो आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत एक जगह मिल जाएगा, बत्तख वगैरह देखना है, पानी के सामने जाके कुछ टाइम आपको स्पेंड करना है, तो आप लोगों के लिए तो ऐसे जगह है। अब फिलहाल के लिए ये ओपन है, पहले यहाँ पे बत्तख वगैरह था जब मैं वहीं से जब आया था तब यहाँ पे काफ़ी कुछ था, अभी अभी यहाँ पे एक ही था वो अभी वहाँ चले गया। तो ये है वो जो लेक अलाउद्दीन खिलजी ने जो बनाया, आपको दिख रहा होगा जो बिल्डिंग है वहाँ पे, वो बिल्डिंग से हम पूरा हॉस्कास का डियर पार्क पूरा घूम चुका, वहीं से हम एग्जिट होकर फिर ये झील में आ गया। हम वहाँ से जो हॉस्कास की जो क्या किला है, फोर्ट है, वहाँ से होते ही वहाँ आके फिर वापस वहीं से हम ये पूरा घूम कर यहाँ आया और इनके पीछे से पूरा गार्डन वगैरह घूम के वापस यहाँ से होते हम यहाँ आके खड़ा हो। तो यहाँ पे विजिट कर रहे हो तो यहाँ पे सीधे सीधे मैंशन है झील बहुत गहराई में है, कृपया अपना अपना दूर रहने के लिए बोल रहा है। तो मैंने वहाँ पे गया, अपने रस पे गया, आप अगर जा रहे हो पानी में तैरने की कोशिश मत करना, पानी बहुत ख़राब है। और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए नीचे पानी में गया था। बाकी ये है आज का हॉस्कास की व्लॉग और
बस मैं अभी निकलने वाला हूँ अपना घर के लिए। तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, वीडियो शेयर करना। तो अगले कंटेंट लेके अगली बार मिलते, तब तक के लिए पीस आउट।